आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए भाभी। प्रीता। क्या? प्रीता, वो यही है। नहीं, यही है वो। नहीं भाभी, प्रीता यहाँ कैसे होगी? अगर वो यहाँ आती तो करण से मिलती ना। आपका वहम है, प्रीता यहाँ नहीं है। चलिए। प्रीता। मम्मा, करीना, आपको पता है प्रीता जी यहीं पर है। करीना बुआ, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है, वो यहीं पर है। वो इंफेक्ट अभी लिफ्ट में थी, अभी अभी निकली है यहाँ से। देखा करीना दी, मेरा ये कोई वहम नहीं है, धोखा नहीं है। प्रीता यही है, यही कहीं है मेरी बच्ची। रिशा, तुमने सच में प्रीता को यहाँ देखा? करीना बुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लिफ्ट में थी। इनफैक्ट करण मैंने अभी रिसेप्शन पे बोला है, करण अपने केबिन में, वो प्रीता जी करण के केबिन की तरफ गई है इनफॉरमेशन मिलने के लिए। जल्दी जल्दी चलो। करीना दी, मुझे पूरा यकीन था कि करण और प्रीता एक दिन मिलेंगे। फाइनली वो दिन आज आ गया, आज करण प्रीता मिलेंगे। आई एम सो हैप्पी। जरा सोचिए, इतने सालों बाद वो दोनों आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे और फिर से अपनी जिंदगी जिएंगे, है ना? मम्मा, आप ये कह रहे हो, मैं करण के चेहरे पे हंसी देखने के लिए तरस गया था। इतने साल हो गए, उसके चेहरे पे हंसी नहीं देखी किसी ने। आप लोग यहाँ पे रुके क्यों? जल्दी चलो। भाभी चलो, जल्दी चलो। वो तो अपने कैबिन में भी नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने तो कहा था कि यही है। मैं कहाँ ढूंढ लूँ? मैं तो प्रीता जी से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ। अरे तू, ऋषभ, कौन हुआ? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं मतलब? तेरे से तो मिलने के लिए आ रहे थे। मतलब ये कि प्रीता यहीं पे है तेरी ऑफिस में। अरे आप लोगों को भी पता प्रीता यहाँ है? हमने तुमको देखा है लिफ्ट में। अरे मैंने भी देखा है। सच? फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके प्रीता से मिल ना। अरे मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम अब तक प्रीता से नहीं मिले? वो तेरे कैबिन में गई है करण। What a stupid you are, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे होना चाहिए ना केबिन में। अरे मुझे जैसे ही पता चला कि वो यहाँ ऑफिस में है, मैं सीधा रिसेप्शन पर गया। रिसेप्शन पर मुझे ऋषा ने बताया कि वो मुझसे मिलने केबिन में गई है। मुझे थोड़ा ना पता था कि मैं प्रीता को ढूंढने अपने केबिन से बाहर निकलूंगा और वो मुझे ढूंढने केबिन में पहुंच जाएगी। एक मिनट, अब चुप, और अब तू मेरे साथ रहेगा, समझ में आया? तू एक मिनट के लिए भी मेरे साथ दूर नहीं होगा, क्योंकि ये ना हो कि तू जाए केबिन के अंदर, वो जाए कॉन्फ्रेंस रूम में, फिर हम लोग जाएंगे कॉन्फ्रेंस रूम में, वो जाएंगे कैंटीन में। ये सब भागा दौड़ी नहीं चाहिए। देखा मेरे ऋषभ पुत्र ने कितनी समझदारी वाली बात की। अरे हम एक दूसरे की तारीफ बाद में कर सकते हैं, प्लीज अभी चले। करण बिल्कुल सही कह रहा है। ऋषभ बेटा, तुम हम सबको यहाँ रोक रहे हो, क्यों? तुम्हारे पास कोई सजेशन है कि हमें प्रीता कैसे मिलेगी? मेरे पास फैंटास्टिक सजेशन है करीना बुआ, हम सब लोग जाएंगे अनाउंसमेंट रूम। ब्रिलियंट। जो भी करना आराम से करना, पेशेंट सांस ले प्रॉपरली, अच्छे तरीके से करना। हाँ रीता, रीता प्रीता, मैं जानता हूं कि तुम ऑफिस में हो मेरे पास, और मेरी आवाज सुन सकती हो। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।